माइनक्राफ्ट में एक मैप के लिए सब उतावले हो रहे हैं। ओ मामा मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे इस एंगल से रिकॉर्डिंग करना बंद करना चाहिए। तो करना। तो जैसे कि मैंने बोला, एक मॉब के लिए सब उतावले हो रहे हैं और वो है वार्डन, जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुआ। और कौन कौन वेट कर रहा है माइनक्राफ्ट 1.18 का कि भाई वार्डन के साथ खेला जाए। तो गाइस दिस इज गोइंग टू बी माइनक्राफ्ट, लेकिन आई विल बी अपग्रेडिंग टू वार्डन। तो आप सोच रहे होगी कि भाई ये तो इम्पॉसिबल होने वाला है, कैसे मैं कौन सी जड़ी बूटी खा के वार्डन के अंदर अपग्रेड होने जा रहा हूँ। ये तो आपको पूरी वीडियो देख के ही पता लगाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ जैसे मैंने गोलम का किया था, वैसे वैसे मैं लेवल्स अपने बढ़ा के वार्डन के अंदर कन्वर्ट होने जा रहा हूँ। एंड थैंक्स टू टीटू बाबा, आज तो भाई टीटू बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर ही है। और वो देख रहे हो पीछे चमगादड़ जो इधर उधर बातें कर रहे हैं। हाँ, उनको पता चल गया भाई बिल्लियों के कान इनके 10-10 मील दूर सुन लेते हैं कि इनके बारे में बात हो रही है। लेकिन गाइस दे आर गोइंग टू शो मी द पाथवे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले गाइस सब्सक्राइब करना जरूर बना, बिकॉज़ हम कर रहे हैं गिव अवे, वो भी आईफोन 13 का। तो आपको एंटर मारने के लिए करना है सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना कि वार्डन की हेल्थ के कितने बार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ भाई, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मेरा नाम ये, अबे यार मैं आतो और भाई ये बंदे ही भागने लग जाते हैं यार, मेरे अंदर क्या है क्या। एलेक्स के शोल्डर फट चुकी हैं, ये पीछे से शोल्डर के कलर इसके चेंज हो चुके हैं भाई। यहाँ पे मेरे को बहुत ही चोटें लग रही है गाइस, इन चोटों को हील करने के लिए प्लीज एक सब्सक्राइब दबा देना, क्योंकि मुझे ये 5 मिलियन सब्सक्राइबर की रेस जीतनी है। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे विलेजर्स वगैरह से ढूंढते हैं। ओ मामा इनके और कोई काम नहीं है भाई, ये खरगोशों से बात कर रहे हैं। देखा देखा देखा, उधर से अपने आप तक बुलाया। हाँ राजू आ गया ना, अब खरगोश के साथ बात करना। मैं तेरा हुलिया चेंज करूं। ओ मामा हुलिया चेंज करने के साथ फायदा क्या भाई, फिर भी मुझे ही तुम्हारा हुलिया देखना है। ओ वेट अ मिनट गाइस, अरे ये ब्राउन टोपी वाला आदमी कौन है? अरे मामा ये तूने सर के ऊपर कॉन्क्रीट का हेलमेट क्यों डाला हुआ है? मेरी मर्जी। अरे जरा मेरे को बताइए भाई, ये कहां से आ जाते हैं ये लोग? वैसे सोच रहा होगा इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, कि मेरे को ही पकड़ लिया इसने, मेरे को ही टारगेट बना दिया। ओ मामा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि तू टीटू बाबा का नया जासूस है। कुछ भी। अब बाबा भाई बता दे। मैं नहीं बताऊंगा। अपनी जेब में से, अरे अपनी गुत्थी में से कोई ना कोई चीज निकाल के दे दे मेरे को। अरे कोई प्लान दे दे, कोई मैप दे दे, कुछ ना कुछ तो दे दे। कोई तरीका है भीख मांगने का? ओ मामा तू तो देने नहीं चाहता। हाँ आ गया ना, आ गया ना, लाइन पे आ गया ना, ट्रेनिंग करने के लिए लाइन पे आ गया। अरे मामा इतनी महंगा कांग्रेस ने नहीं करी थी जितनी आज तूने कर दी है। तो अभी मुझे लग रहा है कि दूसरे विलेजर्स के साथ हमें कोई ना कोई डील वगैरह बनानी पड़ेगी। ओ मामा मैं तुम्हें पता है साल का डॉक्टर मुफ्त में दूंगा। वैसे इनका डॉक्टर मैं ही हूँ, एक दो मुक्के मार दो भाई ये फिक्स हो जाते हैं। तो बातें बोलते कि भाई मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, मैंने फार्मिंग वगैरह नहीं करनी, और उसी टाइम दो झापड़ लगा के भाई बिल्कुल सीधा हो जाते हैं। अभी ये बोल रहा है कि मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, अभी इसके पैर ठीक करता हूँ। ये तेरी तो ऐसी की तैसी, देखा 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 कैसे भाग रहा है। ओ मामा तेरे तो पैर दर्द हो रहे थे। देखा देखा, जैसे कि भाई मैंने प्रूफ शो किया उधर ही स्टॉप हो गया। तो अभी मामा इससे पहले तेरी भी वो हालत हो भाई, बता दे मेरे को कहाँ पर छुपा के रखा है भाई टीटू बाबा ने? मैं नहीं दिखाऊंगा। कहाँ पे एक सीक्रेट बेस बनाया उसने? ओ मामा बता दे यार कहाँ पर है, इधर ही आसपास है क्या? अरे यार ये तो बताने नहीं चाहता। ओ मामा यहाँ पे मुंडी हिला ले, कुछ तो कर ले। अरे इधर जा रहे, अरे इधर जा रहे, इधर क्या है भाई? मुझे लग रहा है गाइस इस फार्म के आसपास कुछ ना कुछ तो है। सो एक काम करते हैं, वेट अ मिनट, अरे यार ये तो गजब भी निकला। अरे मैं तुझे शाबाशी दूंगा यार। अच्छा ये ले, एक काम कर, मैं तुझे बोनस में 2 लकड़ियां देता हूँ। ओ भाई अपने पता है दोनों हाथ के अंदर एक एक लकड़ी पकड़ ले, कोई भी आएगा तेरे को मारे भाई, झपेड़ दी उसके ऊपर। हाँ बस मेरे को नहीं, चल निकल यहाँ से। ओके सो अभी मुझे लग रहा है कि नीचे तो जाना पड़ेगा, और नीचे जाके मेरे को आई एम नॉट श्योर। ओ मामा यहाँ पे है तो है क्या? अरे ये रहा भाई, मैंने सोचा भाई यहाँ पे 4 दिवाली बंद करके रखी हुई है टीटू बाबा ने। एंड ओ माय गॉड कितनी सारी एंडर पर्ल्स है, एंड कितनी सारी आई एफ एंडर है। अरे भाई आज तो अंडर ड्रैगन, तुझे तो मैं टेलीपोर्ट हो के मारूंगा। तो अभी ऊपर चलते हैं। एंड गाइस लेट्स गो एंड गेट सम क्राफ्टिंग टेबल, क्योंकि मेरे को क्राफ्टिंग टेबल चाहिए। ओ मामा खरगोश भी मेरे से डरने लग गया यार। तो गाइस क्राफ्टिंग टेबल मुझे किस लिए चाहिए? क्योंकि आई नीड टू क्राफ्ट द अल्टीमेट वार्डन आर्मर। तो गाइस आई एफ एंडर फाइंड करना, एंडर पर फाइंड करना, मेरा लेवल 10 तक तो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे अगर मेरी रेसिपीज अनलॉक होगी तो गाइस समझ लो कि लेवल 50 तक अनलॉक हो चुका है। और अगर मैंने इसके टूल्स बना दिए तो गाइस लेवल 75। एंड फाइनली अगर मैंने इसका आर्मर क्राफ्ट कर दिया तो गाइस आई विल बी अनलॉकिंग द लेवल 100 एंड अपग्रेडिंग मायसेल्फ टू वार्डन। तो अभी एक काम करते हैं, अबे यार यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, मैंने इधर से आते जाते। ओ यार ये रहा। तो अभी एक काम करते हैं भाई, इस क्राफ्टिंग टेबल से पहले थोड़ी सी स्टिक्स हमें लेनी पड़ेगी। एंड आई ऑल्सो नीड सम फूड। अरे आयरन गोलम यार यहाँ पे आज मेरे को तेरा आयरन वगैरह नहीं चाहिए। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? लेकिन आज मैं तेरे को पता ये देने वाला। ओ माय गॉड खत्म।
अरे गोलम क्यों मारने का था भाई? ये बाबूराव का स्टाइल है। अरे मैं तेरे को एंड्रपल दे रहा था यार। अबे साले, मैं तेरे अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा तू खुश होगा, लेकिन ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। मेरे पास अभी इतनी स्टिक्स आ चुके कि मैं यहाँ पे टूल्स वगैरह क्राफ्ट कर लूं। एंड गाइस यहाँ पे मेरे पास सबके सब टूल्स की रेसिपी अनलॉक हो चुकी है, वुडन सोर्ड, देयर वी गो। अरे यार सबकी सब चीजें तो गाइस यहाँ पे एंडर पर्ल से बन रही है। अरे मैं वंडर कर रहा हूँ कि गाइस वुडन एंडर पर्ल के साथ क्या लिंक है। मुझे तो लग रहा है कि कोई ना कोई लिंक तो है, इनका कलर वगैरह तो बिल्कुल सेम ही है। लेकिन गाइस ये पिकैक्स भाई साहब, अरे हो भी इतनी पावरफुल है, एफिशिएंसी एक्स। एंड वुडन की एक्स के साथ तो आज मैं ड्रैगन को उड़ाने वाला हूं। एंड फाइनली गाइस यहाँ पे आर्मर भी क्राफ्ट कर लेते हैं, देयर वी गो। हेलमेट, लेगिंग्स भी गाइस मेरे को मिल चुके हैं। अरे और तो कुछ नहीं है ना इसका, लेकिन अभी भाई ये क्राफ्टिंग टेबल हम अपने पास ही रखते हैं, बिकॉज आई थिंक वी आर गोइंग टू नीड इट। तो अगर आपने गाइस कमेंट सेक्शन में एंट्री करने के लिए उस सवाल का जवाब नहीं दिया, तो गाइस मैं आपको बस आंसर देने ही वाला हूँ। 3, 2, 1 एंड देयर वी गो। तो गाइस यहाँ पे मैं अपग्रेड हो चुका हूँ वार्डन के अंदर। अरे देखो यार कितना गजब लग रहा है, और मैं तो भाई चार्ज मतलब की गुस्से वाला वार्डन बन चुका हूँ। जब भी कोई वार्डन के साथ पंगा लेना भाई वो फास्ट हो जाता है। हाँ, अब आना तू, अब कहाँ गया गोलम, तू मुझे बहुत मार रहा था है। तेरे हाथ बहुत चल रहे ठाकुर, तेरे हाथों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। मामा आ, नहीं आना, मारना मार के दिखा तेरी तो ऐसी की तैसी कबूम। ओ तेरी तो भाई दो हिट में मार दूंगा। अबे ओ तीले वाली टोपी, अरे ये डर गया, मुझे लग रहा है यहाँ पे ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे इसने कुछ किया ना। ओ मामा उधर जाइए वापस, तेरे ऊपर सैंड गिरा दूंगा, सफोकेट कर दूंगा तेरे को। लेकिन गाइस यहाँ पे ये देखो यार खतरनाक वार्डन में मैं अपग्रेड हो चुका हूँ, और आप सब गिनती कर ही सकते हो कितने हार्ड बार है। तो अभी कभी जाके सब्सक्राइब करो एंड मेक श्योर लीव अ लाइक एंड ऑल्सो कॉमेंट, तभी एंट्री होगी भाई आपकी, ऐसी एंट्री नहीं होने वाली। तो अभी गाइस मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको इन टूल्स के बारे में बता दूं। तो अक्सर क्या होता है कि हमें डायमंड की टूल्स पे भी टूल्स नहीं मिलते। अरे कहना क्या चाहते हो? ये पता नहीं मैंने कौन सा मुहावरा बोल दिया, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास डायमंड की पिकेक्स वगैरह आती है तब भी हम डायमंड वगैरह ढूंढते हैं, लेकिन हमें बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन ये वार्डन की पिकेक्स अगर माइनक्राफ्ट ने मेरी सुन के ऐड कर ली, वैसे मोजैंग और मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी चल रही है, मैंने उनकी गेम को इतना क्रैक कर दिया वो सोच भी नहीं सकते कि मैं कौन से लेवल तक जा चुका हूं। क्या बोला तूने? तो अगर गाइस मैंने ये एक ब्लॉक माइन किया तो आई कैन लिटरली माइन द एंटायर चंक, और लिटरली गाइस मैं बिल्कुल नीचे जा सकता हूं बेडरॉक लेवल पे, जो कि ऑब्वियसली मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन आई कैन शो यू कि गाइस यहां पे बिल्कुल आप चंक माइन कर सकते हो, और नीचे देख रहे हो यहां पे डायमंड भी हो सकते हैं। मुझे रेडस्टोन तो दिख रहा है, ओ ये रेडस्टोन दिख रहा है मेरे को, और यहां पे इसकी एक्स तो गाइस गजब ही है, मतलब कि वन हिट में कोई ना कोई वुड तो तोड़ ही देगी। वैसे यहां पे वुड तो नहीं है आपको शो करने के लिए, लेकिन ये रहा डोर एंड देयर वी गो गाइस वन हिट में यार। और यहां पे शवल भी बिल्कुल सेम है, एंड सॉर्ड, सॉर्ड की तो भाई बात ही नहीं होती, क्योंकि यहां पे अरे कहां गए इनका झुंड, कहां गया पहले तो इनको मैं भगाने वाला हूं। ये तीनों को गाइस मैंने मारा था, अरे मेरे खिलाफ मीटिंग कर, और रिच वन का बूम, मजा आया। अरे मैं इनसे क्या पूछ रहा हूं भाई, ये तो वही सीन हो गया, बंदे को गोली मार के पूछो कि भाई इसने किया क्या था। वैसे मेरे को पता नहीं था कि गाइस ये विलेजर थे या नहीं थे, लेकिन इनका हुलिया तो मैंने गायब ही कर दिया इस विलेज में से। हां देख तेरे को मैंने जॉब दिलाई, अब तू एक काम कर, तू मेरा सिपाही बन गया ठीक है ना। अरे भाई भाग रहा है, मालिक की तो यहां पे कोई इज्जत ही नहीं है। तो गाइस यहां पे अगर मैं सोर्ड का यूज करूं, आई कैन लिटरली थ्रो टीएटी एनीवेयर आई नीड टू, और गाइस यहां पे बिल्कुल ब्लॉक्स नहीं फटेंगे। लेकिन मैं तो यहां पे गोलम के ऊपर, गोलम के नीचे, गोलम के दाएं बाएं सब टीएटी रख के उसको एक ही बारी में उड़ा सकता हूं, एंड आई कैन आल्सो शूट ड्रैगन डाउन एज वेल। तो लेकिन गाइस यहां पे ड्रैगन को मारने के लिए मेरे पास एक है निंजा टेक्निक, जो कि मोजैंग ने अभी तक रिलीज नहीं करी, और ये नहीं पता मेरे को करेगा ये नहीं करेगा, लेकिन ये वार्डन की एक शक्ति है। तो गाइस यहां पे एक लेजर जाएगी, अरे कहां है विलेजर, अबे मामा दूर दूर तक विलेजर नहीं दिख रहा मेरे को तो, अरे कहां पे भाग गए इतने टीएनटी सुन के। अरे वो रहा। तो गाइस ये देखो अगर मैंने ऐसे किया, और ये देखो गाइस लेजर जा रही है, अबे बच गया ना लेजर से, बच गया ना भाई, लेकिन अब तो लेजर से नहीं बचने वाला। देयर वी गो, तो गाइस वन हिट लेजर किल हो रहा भाई, और ऊपर से पटाखे भी बज रहे पटाखे। तो अभी समय आ चुका है थोड़ा सा ब्रेड क्राफ्ट करके चलते हैं ड्रैगन को उड़ाने, ड्रैगन की खबर लेके आ जाते और उसको बोल देते कि भाई हमारे पास शक्ति आ चुकी है वार्डन बनने की, और उसको हमारे साथ कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है। वैसे वो पंगा लेने के लायक तो रहेगा नहीं अभी, लेकिन फिर भी उसको समझा के जरूर आ जाएंगे। ओके वी आर फाइनली इन द माइन शाफ्ट, बिल्कुल सीधा सामने। अरे मामा यहाँ पे मैं आईएफ हंडर की यूज कर रहा था। अरे भाई मरने वाले है, तुम यहाँ पे मेरे पास आने की कोशिश मत करो। एनीवेज वी आर बैक, और चलो भाई। ओबे भाई साहब, अरे ऊपर जाने का है मेरे को, अरे यहाँ पे मामूली जगह पे गिरने का नहीं है। तो अभी एक काम करता है, यहाँ पे ये कैसे तोड़ेंगे भाई, अरे मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा ये टीएनटी। अरे नहीं यार ये टीएनटी इतना ऊपर तो जाएगा नहीं, अरे ये मेरे पीछे पड़ने वाले एंडरमैन। अरे आ गए ना मेरे पीछे, आ गए ना, आ तेरी तो ऐसी की तैसी लूटिंग एक्स के साथ मेरे को और भी एंडरबल मिलने वाली है। अरे ड्रैगन तू बचने नहीं वाला आज मेरे से, मैं तो इतना कह दूं लेजर के साथ साथ भाई मैं तेरे क्रिस्टल तोड़ूंगा। मामा ये क्रिस्टल तो टूटे ही नहीं, अरे यार ये टूट ही नहीं रहे, अरे जाली वाले क्रिस्टल नहीं टूटते क्या?
था। अरे मेरे को लग रहा है कि वो वाला क्रिस्टल टूट जाएगा। एनीवेज अभी एक काम करता है, यहाँ पे ड्रैगन को तो सबसे पहले ऐसे उड़ाते हैं। तेरी तो मामा ऐसी की तैसी, इतने टीएनटी यहाँ पे मैं फोड़ूंगा ना, इतने टीएनटी। अबे मामा तेरी खतिया खड़ी हो जानी है। अरे तेरे कान में इतने पटाखे बजाऊंगा कि भाई तेरे को पता तक नहीं चलेगा। अरे मामा ऐसी स्पीड जंप बूस्ट मारी इसने हवा के अंदर जैसे कि भाई इसके कान के पर्दे फट गए हो। लेकिन मामा अब तू इसको नीचे आने। अरे तेरी तो ऐसी की तैसी, ये ले लेजर से मर। अबे यार लेजर इसके ऊपर तो काम ही नहीं कर रही, कौन सी मिट्टी के साथ बनी हो भाई। लेकिन आई कैन डिस्ट्रॉय ऑल दीस क्रिस्टल्स लाइक दिस। और अच्छा एक क्रिस्टल तो नहीं टूटा लेकिन और सब टूट रहे हैं। और मामा तू नीचे आ गई भाई, मैं तेरे को उड़ा के इधर पटाखे बजाऊं। यार मेरे को पटाखे फोड़ने में बड़ा मजा आता है, इसीलिए तो भाई मैं इतना उतावला हो रहा हूं दिवाली के लिए इस साल। और अब तू नीचे आ चुका है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मामा। अरे मैंने तो तेरे को उल्टा ही लटका दिया। यार देखो गाइस आई थिंक इट्स रिडिकुलस, दिस वाज माइनक्राफ्ट बट यू कैन अपग्रेड योरसेल्फ टू वार्डन एंड आई हैव डन इट फाइनली। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस मेक श्योर स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गिव एंट्री मारने के लिए आपको करना सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दो। सी नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।